हेलो डियर वीवर्स, कैसे हैं जी सब? ठीक है? यस बिल्कुल। तो हमारे पास आज कपिल भाजी का क्या है, युवराज सिंह एंड हिज फियांसी हेजल कीच। हेजल कीच कैसा नाम है? हेजल हेजल कीच कीच भी अच्छा लग रहा है। हेजल कीच अच्छा लग रहा है ना। हेजल कीच कीच, तू खींच मेरे फोटो, तू खींच मेरे फोटो, ये वो वाला नहीं है, ये है कीच, वो था खींच। ओके तो देखें फिर। yes. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। आजा 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 आजा। नोए देख गप्पू गप्पू, देख मैं किसे लाई हूँ। हेजल को हेजल, अरे जीती रहो जीती रहो। और सामने देख वो जो बैठे हैं ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। हेलो जोरदार तालियां। हेजल प्लीज आइए यहाँ पे, विराजमान हो जाइए। अरे युवराज भी आया है, कैसे हो युवी बाबा? ठीक हूँ। नहीं नहीं अच्छा ये फियांसी तो शादी से पहले की है। तुमने बताया नहीं मुझे युवराज आने वाला है। तो मिठाई आए तो मक्खियों से बचाने पड़ता है। माफ करना, मैं कोई लोकल मामूली मक्खी नहीं हूँ जो किसी भी मिठाई पर बैठ जाऊं। अजी मेरी नजर तो बस पंजाबी पिन्नी पर है। सिद्धू भाई नर्वस क्यों है? बेस्ट चॉइस, तू ज्यादा मत उठ, तू तो पंजाबी है। हां तू मेरा हाथ थाम। मैं तो छोटी पिन्नी हूँ, बड़ी पिन्नी उधर है। मेरे बच्चे आज तू यहाँ आई है तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी अपने हाथ से। जल्दी से मुझे बता, क्रिकेटरों को प्रपोज कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने भी है ना मोहब्बत के पीच पे प्यार की गुगली फेंक कर किसी को क्लीन बोल्ड कर देना है। ओके आंटी आंटी मत बोल। कॉल मी ए पुष्प। ए पुष्प ये किस देश से है? फिर हाँ। सबसे पहले एक रोज ले लीजिए। मैं तो दो रोज लेती हूँ। मुझे लग रहा था इंग्लिश इंग्लिश बोलेगी, मैं बाहर की लग रही हूँ। नाम से भी हेजल कीच। रोज रोज गुलाब। हाँ जी गुलाब गुलाब जी गुलाब, ऐसे बोल गुलाब टुकड़ा। अच्छा अच्छा अब इसका क्या करूँ? उसके बाद घुटने पे बैठिए। मेरा नहीं आंटी, मैं उसका भी नहीं। फिर किसके? खुद का। खुद के? हाय हाय ये क्या रोमांस हुआ? जमीन पे जमीन पे जमीन पे भीख मंगवाएगी मुझसे? अभी अभी भगवान से दुआ कर तुझे सदबुद्धि दे। तो शर्म नहीं आती? ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए जिस उम्र में सामने वाले का नाम ले रही हो। क्या करूं, मेरा सामने वाला है ही ऐसा। डरिए मत सिद्धू साहब, डरिए मत। तो और क्या जो मोहब्बत डरती है वो मोहब्बत नहीं अय्याशी है, गुनाह है। जुग जुग जियो, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, लवली इनिंग्स। ओके लवली इनिंग्स, थैंक यू। एक बार हेजल के लिए जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी, महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह, खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हमसफर दिया है। वाह, बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। यू गॉट हेजल व्हाट ही सेड? आई अंडरस्टूड आंखों। अंडरस्टूड आंखों, वही काफी है, आंखें काफी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी बाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन स्टार्ट किया है, पर जब आप हेजल से पहली बार मिले थे तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। पहले तो उन्होंने 3-3.5 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को।
अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जा मिलने के लिए बोला। अच्छा, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये चल रही थी। अच्छा, तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। She was walking like this. That's the first time I saw her. तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे। अच्छा, तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ, शक्ल काफ़ी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेज़ल पसंद आई? बहुत बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हेज़ल, जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब 3 साल, आपने कहा कि 3.5 साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे जी, बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया, हाय बोलने के लिए आया। अच्छा, एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके, बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, 6 छक्के मार दिए, क्या फर्क पड़ता है? बड़े प्यों प्यों के मार रही है तेरे भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के? ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? देयर इज अ गाय इन इंग्लैंड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ। अच्छा, इंग्लिश, शी इज फ्रॉम, ही मेड हिम ऑफ। तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन यार, वो इंग्लिश कर ला, हिंदी कितना अच्छा बोलता है ना। बट ही डोंट नो आई एम गुड। अच्छा हाँ, हेज़ल कहानी तो बताई नहीं आपने, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं, वी हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो जैसे अगर मैं कहूंगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। सही कहा, मम्मी आप मानो ना मानो, हेज़ल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है। इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके 6 छक्के छुड़ाने वाली पाजी। तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला, तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता ना। पर ना नहीं बोला, पर ना भी नहीं बोला। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज? नहीं, ऐसे तो कुछ बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ, फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं, सीरियस था पर सीरियस तो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है, तुम ठीक लगता है, हम देखता है। तुम ठीक लगता है, हम देखता है। और मेरी अंगूठी। अच्छा, वैसे आप देखेंगे ना अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं। पाजी, हेज़ल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौके नहीं दिया ना खुलने का, पहले 3-3.5 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके, तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ जरूर कह के और इस जगह बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है, तो मैं बोला गुड लक। No, wait. You said your version, now this is my version. तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती हैं कि बोर होती हैं आप?
वो मेरे सामने तो क्रिकेट के बात शुरू नहीं करते। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है। ओह माय गॉड। बहुत बढ़िया। हाँ तो जब इंटरेस्ट ही नहीं क्रिकेट में, उसको पता ही नहीं था फिर। हाय, वैसे एक चीज तो ये है कि जोड़ी बहुत अच्छी है, कपल वेरी क्यूट। और लेकिन ये युवराज सिंह डरते हैं। अच्छा, डरते हैं। हालांकि कभी किसी बॉलर से नहीं डरे, लेकिन बीवी से डरना पड़ता है। अच्छा, अभी तो शादी हो गई है, और पहले ये जब फियांस जी थी तब की मतलब वीडियो है। और काफी मतलब हाइट भी उनकी काफी अच्छी है, और हिंदी कितना अच्छा बोलती है। हाँ, शॉकिंग है वैसे मेरे लिए। स्टार्ट में ऐसे इंग्लिश में बात करेगी, मुझे भी यही था कि जैसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना वो होता है ना कि वो जैसे वसीम अकरम की मिसिज है, तो उन्होंने हिंदी थोड़ी सी मतलब सीख ली साथ अब रह के, लेकिन इनकी बहुत वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे तो लगता है किसी वहाँ पे जैसे रहती किसी हिंदी फैमिली के साथ थी, या हिंदी फैमिली से बिलोंग करती हैं, हो सकता है ब्रिटिश में, उधर यूके में ना। अच्छा, ये भी नहीं पता, कह रहे इंग्लिश इंग्लिश का मतलब इंग्लिश कैसे चक्के मारे थे। वाओ। अच्छा वैसे कैसी लड़की है आप ये देखिए, कि युवराज सिंह जैसे कोई भी क्रिकेटर हो ना, आजकल तो कोई नथु पथु क्रिकेटर हो ना, तो कोई लड़की के हाँ क्रिकेटर है, कौमी टीम में, नेशनल टीम में खेलता, हाँ बस पागल हो जाए लट्टू के भागो, वो पीछे पीछे भागे और युवराज उसके पीछे भाग रहे 3 साल से। हैं, कैसा मतलब अमेजिंग गर्ल। चलें, कैसा लगा शो? बहुत मजा आ रहा था देख के। तो चलें गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।